नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम आरोग्य ब्रह्मांड में। मैं हूं आपके साथ अनीता उपाध्याय और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनका परिचय मैं आपसे करवाना चाहूंगी। हमारे साथ मौजूद हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर आयुर्वेदा आचार्य स्वामी ब्रह्मांडपुरी महाराज हमारे साथ हैं। तो शुरुआत हम करेंगे कार्यक्रम की, लेकिन सबसे पहले स्वामी जी का स्वागत करते हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत कार्यक्रम में आपका। तो दर्शकों, आप सभी को ये कहना चाहूँगी, जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे ये कार्यक्रम विशेषकर आप ही के लिए है। आपकी कैसी भी समस्या हो, फिर वो छोटी से छोटी बीमारी या बड़ी से बड़ी या कई सालों से आपके साथ जुड़ी हुई क्यों ना हो, उसका इलाज स्वामी जी के पास है। 100% दावा स्वामी जी करते हैं कि आपकी हर एक बीमारी का इलाज इनके पास है। बस आपको करना क्या है, एक कॉल करना है और संपर्क साधना है, सलाह आपको स्वामी जी की लेनी है। और हाँ, जो भी दवाइयाँ, जो आयुर्वेदिक मेडिसिंस आपको आपकी बीमारी के लिए बताई जाएंगी, उसका पूरा कोर्स आपको करना है। शुरुआत करने से पहले, कोर्स से पहले आपको हमें कॉल करना होगा और उसके बाद हमें फीडबैक ज़रूर इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को देना होगा। हमेशा हर कार्यक्रम के दौरान हम एक नए विषय और एक समस्या, एक बीमारी के बारे में हम डिस्कस करते हैं, हम जानते हैं स्वामी जी से उसके बारे में। तो इसी क्रम में आज हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में बात करने वाले हैं। क्या है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्या लक्षण होते हैं इस बीमारी के और कितने प्रकार के होते हैं, साथ ही उपचार क्या है। लेकिन हाँ दर्शकों, आपको मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इस बीमारी का अभी तक संतोषजनक इलाज नहीं मिल पाया है, लेकिन स्वामी जी दावा इस बात का कर रहे हैं कि उनके पास इसका 100% इलाज है। तो आइए सबसे पहले हम इस बीमारी के बारे में जान लें, ये क्या है, किसे कहते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो सबसे पहले सवाल स्वामी जी आपसे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है क्या, कैसे उत्पन्न होती है बीमारी? देखिए, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मतलब एक साधारण, जैसे बौद्धिक क्षमता के हिसाब से हर दर्शक मेडिकल लैंग्वेज को नहीं समझ पाएगा, तो साधारण समझा दें कि जिस तरीके से एक गीली मिट्टी है जी, और उसमें एक बारीक धागा डाल दिया है हमने, धागा डालने के बाद में सूख गया, और सूखने के बाद उसको अगर धागे को ऊपर उठाते हैं तो पूरा मिट्टी ही ऊपर आ जाएगा जी। ठीक उसी तरीके से यह बीमारी जब आती है तो हमारे मांसपेशियों को एकदम दुर्बल कर देती है, और उनकी दुर्बलता से हमारे मांस जैसे पत्थर के जैसे जमने चालू हो जाते हैं जी। और जब वो पत्थर जैसे जम जाते हैं तो हमारी नसों में ब्लड सर्कुलेशन बंद होने लगता है। ऐसी स्थिति में बंदा जीते जी एक लाश के तरह जिंदगी जीने लगता है, इसी को कहते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जी। यानी कि मांसपेशियों के दुर्बलता को हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। और अगर दर्शकों आपके साथ भी कुछ ऐसी समस्या, कुछ ऐसी बीमारी बनी हुई है, आप कॉल कीजिए, या इससे अन्य कैसी भी कोई भी बीमारी आपको है जिससे आप जूझ रहे हैं, जिससे आप ग्रसित हैं, लेकिन अब चिंता करने की कोई बात नहीं है आपको। आप बिना किसी संकोच के इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं। स्वामी जी, लक्षण क्या होते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के, जिसे हम मांसपेशियों की दुर्बलता कहते हैं? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जो लक्षण होते हैं, जैसे बच्चा पैदा हुआ है तो थोड़े समय तक वो एक्टिव रहेगा, एक्टिव होने के बाद धीरे धीरे उसके मुँह से लार का गिरना, उसके डाइजेशन का क्लियर ना होना, धीरे धीरे उसके जॉइंट्स में पेन होना, मांसिक पेशियों का जकड़ जाना, और धीरे धीरे उसके जो मांस है पत्थर जैसे होने लग जाते हैं, मतलब इसका जो TCH है बढ़ जाएगा, और इसको जैसे यही स्थिति अगर ज्यादा बढ़ गई तो हार्ट पे इफेक्ट कर जाएगी, यही स्थिति ज्यादा बढ़ गई तो इनकेफेलाइटिस हो जाएगी। वास्तविकता में इसे अनुवांशिक माना जाता है कि माता पिता से आता है जी। जैसे मान लीजिए, मेरी बात थोड़ी अटपटी लगेगी, भारत के लोगों ने क्या किया, ऋषि परंपरा को भूल गए। हमारे आर्य पद्धति और सनातन की पद्धति अनीता जी ये है कि हम जो है, अनीता जी, जी हम जो पूर्व जन्म से, हमारे सनातन ने कहा है कि हम गुण और धर्म, रक्त और वर्ण को देखकर ही विवाह करते थे, तो मूल कारण इसका वहां से शुरू होता है जी। माना कि किसी के पति और पत्नी का सेम ब्लड ग्रुप है, तो सेम ब्लड ग्रुप होने से एक तो पहला लक्षण कि उसे संतान होने में ही तकलीफ होगी जी, और अगर हो भी जाती है जी, तो उसका फीमेल चाइल्ड सिक्योर होगा, मेल चाइल्ड सिक्योर नहीं होगा। ज्यादातर ये चीज मेल्स में ही पाई जाती है जी। तो स्वामी जी, जेनेटिकली ही होती है ये समस्या?
नहीं, और सारे रीजंस हैं, जैसे एक तो ज्यादातर इसको 70-75% जेनेटिक की ही और अनुवांशिक ही आप मान सकते हैं, बाकी कई चीजें कैसे रहती हैं, जैसे मान लीजिए आपके हाथ में थोड़ी सी इंजरी हो गई है, आप उसको डायबिटीज है, लेकिन मेन बीमारी आपकी डायबिटीज है, डायबिटीज होने से इंजरी हीलिंग नहीं हो रही है, धीरे धीरे वो सेप्टिक हो गई, सेप्टिक के बाद कैंसर हो गई, बट हम उसे बाई बर्न कैंसर नहीं कहेंगे, उस बीमारियों की जड़ों को ढूंढेंगे। ऐसे काफी चीजें ऐसी हैं जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी के सिम्टम्स बताते हैं, उसे कहते हैं, बट परफेक्ट वो मस्कुलर डिस्ट्रोफी नहीं होती है। क्या कोई एज भी है क्या, क्या किसी एज में इस तरह की बीमारी हमें होती है या फिर इसी कोई एज नहीं है? एज जो ये परमानेंट अनुवांशिक होता है जिसे आप DMD कहते हैं जी, तो इसका तो एक एज है, इसका एज ऐसा है कि जैसे बच्चा पैदा हुआ तो मिनिमम 7 वर्ष के अंदर ही उस पर ये असर होने चालू हो जाएंगे, ठीक है, और 12-13 वर्ष के अंदर उसको आपको व्हील चेयर पे रखना पड़ेगा, मुंह से लार गिरेगा, मतलब एक जिंदा लाश मम्मी टाइप जिंदगी हो जाएगी उसकी। ये तो 5-7 वर्ष, कुछ बच्चों को 4 वर्ष से ही आ जाता है जी। अब यही एक दूसरी और गतिशील आती है इसमें, जिसे आप मस्कुलर डिस्ट्रोफी कहते हैं लेकिन वो होता नहीं। जैसे मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ है तो रोता नहीं है, उसके मुंह में गंदा पानी चला गया जी, मुंह में गंदा पानी चला गया है, उसका सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है, तो उसके अष्टनायु का विकास पूर्ण रूप से नहीं होगा जी। उसका साइड इफेक्ट आएगा कि बच्चा 10 साल का हो गया, 8 साल का हो गया, 5 साल हो गया, लेकिन कमर से नीचे उसे सपोर्ट नहीं है, सिर का आकार बहुत बड़ा हो जाएगा, बात नहीं कर पाएगा, उठ नहीं पाएगा, ऐसे ये उससे मतलब उसकी लाइफ पे ये असर पड़ेगा कि वो ब्रेन से बहुत सार पड़ेगा, दिमाग उसका बहुत तेज रहेगा बट फिजिकली उसको कोऑपरेशन नहीं मिल पाता है, इसका रीजन ये हो गया। इसको भी कुछ डॉक्टर कहते हैं ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी से मिलता जुलता है, बट ये बाई बर्न तो नहीं हुआ ना। जैसे मान लीजिए कई पेशेंट ऐसे आते हैं कि जैसे मान लीजिए उनके स्पाइन कोड में एक बार झटका लगा, उससे भी मतलब कहने का श्रेय यह है कि किसी भी तरीके से जी हमारी मांसपेशियों की दुर्बलता जनरेट होने लगे, दुर्बल होने लगे, और मांस एकदम पत्थर जैसा सटीक होने लगे, नसों में ब्लड के सर्कुलेशन को रोक दे जी, तो हम उसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी कहेंगे। 3-4 प्रकार की पाई जाती हैं ये जी, और इसको और आगे जाएंगे तो बहुत सारे रीजंस आ जाएंगे, लेकिन वास्तव में ये अनुवांशिक तो बस है ही 75%, लेकिन 25% ऐसे डिजीज हैं जो दूसरे डिजीज से जुड़कर ऐसे लक्षण बना देते हैं। ठीक है, प्रकार भी हम कुछ आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं जी। नमस्कार, नाम बताइए अपना। मैडम जी नमस्कार जी। गुरु जी नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए गुरु जी। ऐसे है कि मेरी बात आपसे पहले भी हुई थी जी, तो जो दिक्कत आ रही है वो ये है कि दवाई मंगाने की दिक्कत आ रही है, आपकी कोरियर के थ्रू दवाई नहीं आती, जो पैसे कोरियर वाले को दिए जाएं और दवाई मिल जाए हमारे को घर पे, तो आप कहते हो कि अकाउंट में पैसे जमा कराओ, क्योंकि कोई जो हेल्पलेस होता है वो मुश्किल है, घर से बाहर ही नहीं निकल सकता, तो कैसे पैसे जमा कराएगा वो। चलिए ठीक है, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अम्बाला से बोल रहा हूँ जी, राजेंद्र। चलिए ठीक है, वो उसके बारे में मैं अपने कॉल सेंटर के बच्चों से कह दूंगा, आपको भिजवा देंगे। एक्चुअली उस चीजें आपको महंगी पड़ती हैं और हम चाहते हैं सस्ती सेवा, कोई बात नहीं, हम आपको COD करवा देंगे, ठीक है भैया? ओके, चलिए, तो शिकायत आपकी जल्द से जल्द दूर करवाई जाएगी, जैसे कि स्वामी जी कह रहे हैं। और दर्शकों, हाँ, आपने जाना मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी कि मांसपेशियों की दुर्बलता, कमजोर हो जाती हैं हमारी मांसपेशियां, चलने फिरने में हमें दिक्कत आती है और भी कई सारी परेशानियां इससे हमारे जीवन में उत्पन्न होती है। अगर ऐसे ही लक्षण आपके साथ भी हैं, आपको भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है, या इससे अन्य कोई भी बीमारी अगर आपको है, तो आप अब देर मत कीजिए। करना क्या है, केवल आपको कॉल करना है, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं। अगर आप सार्वजनिक तौर पर अपनी समस्या को शेयर नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो आप शो के बाद भी कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार आपके लिए उपलब्ध रहेंगे जो इस बीच टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं। तो अब स्वामी जी, प्रकार आपसे जानना चाहेंगे, कितने प्रकार के होते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी? देखिए, इसमें तो DMD, BMD, EMD, पता नहीं कितने टेक्निकल नाम से जान लेते हैं, जैसे आज आदमी कहता है HIV, बट HIV कोई बीमारी का नाम ही नहीं है, ह्यूमन इंजूरियस वायरस कहते हैं। तो इसके एक स्टेज है, वो स्टेज को अलग अलग नाम दे दिया जाता है, ठीक है, पर आज तक जितने भी विश्व में WHO से लेकर जितने भी रिसर्च सेंटर्स हैं वर्ल्ड में, किसी ने इस पे पूर्ण रूप से तकनीकी ला करके इसका पूर्ण रूप से इलाज नहीं किया है, और आयुर्वेद में इसका इलाज संभव है जी। लेकिन भारत का एक बड़ा दुर्दैव है कि भारतीय शास्त्रों की आयुर्वेद पद्धति की जो मूल चीजें हैं उसकी कॉपीराइट ही नहीं भारत के पास है, और भारत के अंदर ऋषि परंपरा, ऋषि से ही रिसर्च होता है,
जी मान लीजिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, जिसकी ज्यादा टीआरपी उसको अवार्ड मिलता है, लेकिन महाभारत के युग में संजय ने कैसे दिखा दिया था लाइव टेलीकास्ट, तो ऋषियों से ही रिसर्च शुरू हुई है। तो भारत में जो है लोग अपने भारत की विद्वता का, अपने भारतीय विद्वताओं का जो है मूल्यांकन और सम्मान नहीं करते हैं। तो हमने कह दिया कि भाई अभी यह चीज है कि डायबिटीज है, अभी देखिए डायबिटीज है, डायबिटीज सेवन छीण हो गया, आंखों में प्रॉब्लम आ गया, बाद में डायबिटिक कोमा हो गया जी। लेकिन रीजन उसका मूलतः डायबिटीज है। ऐसे ही मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी के अंदर अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले हमारे पेशेंट को मस्कुलर यानी हमारे जो मांस कोशिकाओं को दुर्बल कर देना, हमारे ब्रेन के जो 150 बीटा सेल्स हैं उनका हैंग हो जाना जी। हमारा ब्रेन लार्वा इम्प्रूव नहीं होना। हमने आग पे हाथ रखा, उठाओ, ये कौन ऑर्डर करता है? ब्रेन ऑर्डर करता है। लेकिन इसके जितने शोल्डर्स हैं, जितने ज्वाइंट्स हैं, सब टोटली सीज हो जाते हैं। जिस तरीके से HIV का वायरस आता है तो एक हमारे बॉडी में P24 प्रोटीन होता है, लेकिन वो आकर जब उसको खाने लगता है तो एंटीजन में कन्वर्ट कर देता है जी। ऐसे हमारे अंदर जो ह्यूमन डेवलपमेंट्स के सिस्टम से भाई फास्फोरस को कम कर देगा, सल्फर को कम कर देगा, पाचन रस जनरेट नहीं होगा, ये सारी चीजें उसमें आ जाती है। चलिए दर्शक एक और हमारे से जुड़ गए हैं जी। नमस्कार, नाम बताइए अपना। मैं पटेल अलका बोल रही हूँ। कहाँ से बोल रही हैं आप? उत्तर गुजरात मेहसाणा से जी। रखिए सवाल अपना, क्या जानना चाहती हैं आप? मुझे गोल्ड ब्लैडर में वो पित्ताशय की थैली में 20 mm की पथरी है, तो दवाइयाँ मिल सकती है क्या कोई? हाँ जी, आपको दवा मिल जाएगी और उससे पथरी निकल भी जाएगी, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि पूरे विश्व के अंदर एक बार हमने ऑपरेशन कर दिया या पित्ताशय को रिमूव कर दिया या दवा देकर उसे डिजोल्व कर दिया, ये परमानेंट निदान नहीं होता है, क्योंकि ये बार बार जनरेट होता है। ये इसके होने के कारण होते हैं कैल्शियम का अनबैलेंस हो जाना, गर्म पानी या पीना चाहिए आपको बराबर, जैसे क्षार और अम्लीय पानी लेना, वातवर्धक वस्तुओं का सेवन करना, तो दवा से 2-3 महीने के अंदर डिजोल्व हो जाएगा, निकल भी जाएगा, लेकिन आपको अपने शरीर के लिए थोड़े समय तक परहेज करने की जरूरत होगी जी। और आप इन चीजों को अवॉइड करिए, ज्यादा कैल्शियम की चीजें मत खाइए, बैगन मत खाइए, अरहर की दाल मत खाइए, चने की दाल मत खाइए, और ऐसे भी जिस जगह पर ये रहे वहां पीने योग्य पानी बहुत ही कम है जी। और स्वामी जी, जो इलाज, जो दवाइयाँ आयुर्वेदिक आप इनको देंगे, इनके पथरी को बाहर निकालने के लिए, वो कब तक इनको खाना होगा? नियर अबाउट 3 महीना मैक्सिमम जी। अभी जैसे मेरी दवा ले रहे हो, टेस्ट कर लें कि 20 mm का है, एक महीने बाद फिर चेक कर लें और 17-15-14 mm का हो जाएगा। यानी कि अगर पथरी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, स्टोन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपकी दवाई के बाद ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी? नहीं होती बिल्कुल। तो आप ये आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए जो स्वामी जी ने कहा है, आपको परहेज क्या क्या करना है वो अभी आपने बताया, उस पर आपको अमल करना है, आपको ये दवाइयाँ आयुर्वेदिक मेडिसिन मंगवानी है। और दर्शकों, हाँ, जैसे कि स्वामी जी बता रहे हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी पथरी, यानी कि अंग्रेजी में जिसे हम स्टोन कहते हैं, आपके जो स्टमक में हो जाता है, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जब आप इन आयुर्वेदिक मेडिसिन का सेवन करेंगे जो जो स्वामी जी द्वारा निर्मित हैं, उनसे आपको 100% लाभ पहुंचेगा, किसी भी तरह के ऑपरेशन की नौबत आप तक नहीं आने पाएगी। स्वामी जी, हम बात कर रहे थे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में, अब मैं ये जानना चाहूंगी आपके पास इसका क्या इलाज है, किस तरह का इलाज आप देते हैं इस बीमारी के लिए, जिसका अभी तक कोई भी संतोषजनक लाभ जो है और संतोषजनक इलाज उपचार नहीं मिल पाया है किसी को? देखिए अनीता जी, जिसका प्रकृति में उत्थान है उसका पतन सुनिश्चित होता है जी। एक दिन मैंने पहले भी बताया, आज रिपीट करके बता दूं कि भारतीय संस्कृति में जितनी भी पृथ्वी पर वनस्पतियां हैं वो सब औषधि है जी। जैसे आपने नॉर्मली एक लाजवंती घास को देखा होगा, कुछ लोग छुई मुई कहते हैं, आप उसको स्पर्श करने जाओ तो सिकुड़ जाएगी और हाथ हटा लो तो अपने आप फैल जाएगी। इतना ज्ञान उन वनस्पतियों को भी है कि कहाँ निर्भर करता है कि जो व्यक्ति वैद्य है, जो इनका शोधन करता है, वो किस हद तक किसके बारे में जानता है जी। एक तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि अगर माता पिता दोनों के सेम ब्लड ग्रुप से हुआ है बच्चा, तो उसके ब्लड ग्रुप कौन से हैं हमें वो देखना है, उसकी यूरिक एसिड कितनी है, ESR कितना है, उसके बोन म्यूरोज किस कंडीशन में, टोटल उसके रिपोर्ट को देखना है और उसके हिसाब से उसकी मेडिसिन को बनाना चाहिए। इनका दो जगह से बहुत बड़ा रिलेशन है, लीवर से और ब्रेन से।
जी, क्योंकि हमारे बॉडी को जनरेट करने वाली, सर्कुलेट करने वाली सारी हार्मोन्स पॉइंट्स कहाँ है, हमारे ब्रेन में है। जी, अगर हमारे ब्रेन में स्नायु का विकास नहीं हो तो आदमी जिंदा जी लाश ऐसे ही हो जाता है। ब्रेन से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है तो वो आदमी को लकवा हो जाता है। इसलिए हमें सबसे पहले लीवर से रिलेटेड इसका डाइजेशन सही करना है। डाइजेशन सही करने के बाद इसके मांसपेशियों का विकास जो होना चाहिए, जैसे फास्फोरस कम हो गया तो जाम हो जाएगा। 18 ग्राम से कम अगर हमारे बॉडी में सल्फर है, सल्फर की कमी से भी आदमी नशे की तरफ बढ़ता है। अब आजकल जैसे बहुत सारे नशा है हर तरीके का जी। इस तरीके से उसके एक एक मतलब वर्क योर टेरिटरी करेक्टली स्टेप बाई स्टेप। हम जब तक बीमारी के रीजन को नहीं जानेंगे हम बीमारी को दूर कर ही नहीं सकते। इसलिए हमें सबसे पहले अगर पेशेंट को ट्रीट करना होता है मस्कुलर डिस्ट्रोफी के, तो हम उसको ठीक करने के लिए उसके माँ बाप के रिपोर्ट्स मंगवाते हैं पहले जी। कि भाई आप बताइए कि आपका ब्लड टेस्ट करवा कर बताइए कि आपका हेमोग्लोबिन कौन से ग्रुप का है और इसका ब्लड ग्रुप क्या है, आपकी इसमें क्या उसके भी है पर, क्योंकि ये तो प्राकृतिक व्यवस्था है जी। कि अगर माता पिता में कोई बीमारी माइनर है तो बच्चे में मेजर आ जाती है। पहले हम उस रिपोर्ट को लेते हैं, हमारे पास जब बच्चा आता है हम उसको सारी रिपोर्ट रखते हैं और हर महीने उसकी रिपोर्ट को हम देखते रहते हैं कि भाई क्या इम्प्रूवमेंट्स है। उसके लिए आयुर्वेद में नाड़ी शोधन की क्रियाएं भी है, अभ्यंगम है, सिरोधार है, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। कई बार पेशेंट को हम हमारे पास भी रखते हैं ठीक है अपने ऑब्जर्वेशन में। जिस दिन मैंने यहाँ आज पेशेंट आया हम उसकी एक फाइल ही बना देते हैं कि भाई आपके मदर फादर का था, फिर देखना कि ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी बाई वर्ण है या दूसरे डिजीज के कारण मस्कुलर डिस्ट्रोफी में कन्वर्ट हुआ है जी। ऐसा भी होता है जैसे मान लो काफी पेशेंट आएंगे तो उनको कंटिन्यू बुखार हुआ, इनकेफेलाइटिस हो गया, इनकेफेलाइटिस होने से फेरेबल P235 में या टी सेल्स डिफ्यूज हो गए तो उनको एकदम ऐसी हालत बन गई कि वो व्हील चेयर पे जाने लगे, मांसपेशियां कर गई, सब हो गया। उसको डॉक्टर मस्कुलर डिस्ट्रोफी कहेगा लेकिन वो मस्कुलर डिस्ट्रोफी बाई वर्ण नहीं है, ये उसका एक दूसरा स्वरूप है। तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। जिस दिन हमने बताया कि अगर बच्चे को ठीक करना है तो माँ बाप का रिपोर्ट देखते हैं कि भाई दोनों का ब्लड ग्रुप क्या है, क्योंकि जेनेटिकली प्रॉब्लम जेनेटिकली है। फिर वहाँ ये भी देखा जाता है कि अगर प्रेगनेंसी पीरियड में मदर ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में रही है जी, तो उसका भी साइड इफेक्ट इन चीजों पर आता है ठीक है। बच्चा गर्भ में अगर उल्टा हो गया है, उसके गले में नाड़ फंस गई है, मुंह में गंदा पानी चला गया, तो उसका भी साइड इफेक्ट आता है जी। बच्चा जन्म लेने में देर करता है, डॉक्टर्स उसके ब्रेन में वैक्यूम प्रेशर से लगाते हैं, तो भी उसका साइड इफेक्ट आता है। तो हम कहने का अभिप्राय जब हमारे यहाँ पेशेंट आता है हम उसकी पूरी रिकॉर्ड रखते हैं जी। हर महीने के बाद उसकी रिपोर्ट हम चेक करवाते हैं और दोनों को कंपेयर करते हैं ठीक है कि भाई तब क्या था और अब क्या है। फिजिकली अच्छा, कुछ मूर्ख कहेंगे, हम तो मूर्ख कहेंगे, मुझे लोग अटपटा कहते हैं, सुनना मेरी आदत है जी। कुछ मूर्ख लोग समझ ही नहीं पाते कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी या पैरालिसिस है। ऐसी हालत में इसको मालिश और एक्सरसाइज करवा देते हैं जी, जबकि जो बाई वर्ण मस्कुलर डिस्ट्रोफी है उसमें मसाज कभी करनी ही नहीं चाहिए ठीक है, ना उसे एक्सरसाइज की जरूरत है। उसको एक्सटर्नल ऑयलमेंट आप दे सकते हो लेकिन उसको मालिश एक्सरसाइज अलाउड ही नहीं है। तो लोग अपनी परंपरा से करते हैं, बाकी मेरी तो ये तकनीकी है जी कि बाई रिपोर्ट काम करते हैं, हम भी झूठे वो भी झूठा, रिपोर्ट जो क्लियर है और बच्चा चल के जाए वो सच्चाई होती है जी। बिल्कुल, तो दर्शकों आपने बहुत अच्छे से ये समझा होगा क्योंकि स्वामी जी ने बहुत ही अच्छे से हमें समझाया है कि ये होता क्या है, किन कारणों से होता है और इसका उपचार हमें किस प्रकार से करना चाहिए। आप सभी से यही कहना चाहूंगी, दुनिया भर में और वैज्ञानिकों द्वारा भी ये कहा गया है कि अब तक संतोषजनक इलाज इसका नहीं मिल पाया है, पूरा इलाज और 100% कोई भी ठीक इस बीमारी से नहीं हुआ है, क्योंकि जेनेटिकली ये प्रॉब्लम है, इसे दूर नहीं किया जा सकता, ऐसा अब तक कहता हुआ और सुना है सभी ने। लेकिन स्वामी जी हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि इस बात का दावा करते हैं कि वो 100% इस बीमारी को आपसे दूर कर सकते हैं और किया है। स्वामी जी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं अब तक कितने पेशेंट ऐसे हैं जिनको आपने इस बीमारी से ठीक किया है। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है अनिता जो एक्सीडेंटल हो जाती है जी, जैसे मान लीजिए वो कहते हैं ना कोई पढ़ लेता है कोरी कागज पे सारी जिंदगी की दास्तान, कोई किताब पढ़ के भी कुछ नहीं पढ़ पाता। बिल्कुल, कोई करने के लिए जिंदगी गुजार देता, कोई बिना किए सब कुछ कर जाता, कोई करके भी कुछ नहीं कर पाता जी। हमारे यहाँ पर मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, कई ऐसे रिसर्च जैसे सिजोफोर्निया पे रिसर्च जो हुआ मेरा ऐसे ही हुआ, अचानक एक बच्चा आया इसी हालत में, गोद में लेकर आए थे उसको, बहुत बड़ी फर्म के लोग थे,
बहुत बड़ी करोड़पाती पार्टी थे, उनके साथ मैंने किया कुछ आयुर्वेद की पद्धतियां होती हैं, आपको उतना ज्ञान नहीं कि भाई आज गेहूं लगाया, ज्वार लगाया, 8 दिन का हो गया तो फिर उसको काटा, फिर उसका अर्क निकाला, फिर उस प्रक्रिया से मैंने उसको ठीक किया जी। और वाकई में तब तक मैं काम करता था, लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रोफी पे मैं काम करूंगा ऐसा कभी प्लान ही नहीं था, ना मैंने सोचा था। 6 महीने के अंदर वो बच्चा रूटीन में आ गया, चलने लगा, फिरने लगा, पैसे के अभाव में। क्योंकि आपको एक चीज आज बता दूंगा नेताजी, लोगों ने तुलसी, हरा, बहेड़ा और चिरायता बेचकर आयुर्वेद को सस्ता समझ लिया होगा, लेकिन दुनिया की सबसे महंगी अगर कोई थेरेपी है तो आयुर्वेद है। बिल्कुल, इससे महंगी कोई थेरेपी है नहीं। उसके बाद उन्होंने 6-7 महीने तक काम ही नहीं किया, बाद में वो मुंबई ले गए, इधर ले गए, जब सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया फिर मेरे पास आ गया जी। बोले जी क्या नाम, बोले ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, बोले आइए, अगर मैंने उतना किया था तो और भी ठीक करूंगा। LH पाटिल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जलगांव की पार्टी है, आज भी वो बच्चा स्कूल जा रहा है, जी रहा है, ऐसे 250 केस कर चुका हूं मैं जी। बाकी अपनी करनी को मैं कहूं और हमारे दर्शक सुने तो कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि ये मैनेज किए हुए हैं। असली प्रमाण तो वो होगा जो अपने जीवन में अनुभव ले लें, वही सबसे बड़ी प्रमाणिकता होगी, बाकी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल दर्शकों, तो वही हम कहना चाह रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, अगर आप इस बीमारी से ग्रसित हैं, सालों से आप परेशान चल रहे हैं इस बीमारी से जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसको समझाया अभी स्वामी जी ने क्या ये बीमारी होती है, किस कारणवश होती है, इसका उपचार क्या है, तो आप ज़रूर हमें कॉल कीजिए। अगर आप शो के दौरान नहीं कर पा रहे हो तो आप शो के बाद भी अवश्य कर सकते हैं। आप ये देखिए, ये अनुभव लीजिए, जैसा कि स्वामी जी ने कहा है, जब तक आप इसका अनुभव नहीं लेंगे कि आप किस प्रकार से ठीक हो सकते हैं, तब तक आप ये नहीं जान पाएंगे और तब तक जाहिर सी बात है कि आप विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। तो हम ये कहेंगे आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप एक बार विश्वास ज़रूर कीजिए, आप एक बार आयुर्वेदिक मेडिसिन जो बता रहे हैं स्वामी जी इस बीमारी के लिए, वो आप ज़रूर लीजिए। शो के बाद कॉल कीजिए, नंबर्स लगातार आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। स्वामी जी, आप अगर आप इस किसी भी पेशेंट को, अगर उसको ये बीमारी है, आप ठीक कर रहे हैं, आपके ऑब्जर्व में वो व्यक्ति है, वो बंदा है, तो आप कितना टाइम लगता है, आपको क्या ड्यूरेशन लगती है, कब तक आप उन्हें ठीक कर देते हैं? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बॉडी ऑर्गन्स पे डिपेंड होती हैं कि जैसे आप मेडिसिन तो एक ही देते हैं, मान लीजिए 1 गिलास दूध आप पी लेंगे, आप डाइजेस्ट कर ले जाएंगे, दूसरा पिएगा तो उसको गैस क्राइस हो जाएगा, एसिडिटी बन जाएगी जी। उसके बॉडी ऑर्गन्स पे डिपेंड होते हैं। और आप ये जो समझ रहे हैं ना, काफ़ी तो ये बीमारी आजकल भारत में 32% है इंडिया में जी। और काफी लोग मस्कुलर डिस्ट्रोफी को आर्थराइटिस समझ के, पैरालिसिस समझ के ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, पर उनको यही नहीं पता है। वो तो द लास्ट में डॉक्टर बोलता है अरे भाई लाइलाज है। मैं पहले कहता कि भाई थोड़ा तू ले, थोड़ा तू ले, थोड़ा तू ले, तो इंटरनेशनल जो लूट मार की दुकानें हैं ना, वहां से बहुत ही विमुख होने के बाद आदमी नेचुरल जगह पर पहुंच पाता है जी। अभी हम जितनी बातें करें, काफी ज्यादा नहीं कह रहा हूं कि जैसे आध्यात्मिक चर्चा करूंगा आपको, कि आज अगर हम अपने 12 साल के बच्चे से पूछेंगे कि भाई भागवत और गीता के बारे में जानते हो, तो बोलेगा एक बॉयफ्रेंड है, एक गर्लफ्रेंड है। ऐसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बारे में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च सेंटर के 15% MDs और डॉक्टर ही जानते हैं जी। तो जो हमारे दर्शक हैं, उनको ये बीमारी है, उनको ये बीमारी है, पर वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यही वो बीमारी है जिसपे आज चर्चा हो रही है। ये मेन रीजन होता है इसका। जैसे मान लीजिए एक फीमेल है, उसके घुटने में दर्द है, बैकबोन में दर्द है, उसका रीजन कैल्शियम, आयरन, विटामिन की कमी भी हो सकती है, बट उसके दिमाग में एक ही चीज चढ़ा हुआ कि नहीं मुझे तो आर्थराइटिस हो गया। तो जब हम उससे लिक्वेरिया की बात करेंगे तो हमें कॉल नहीं करेगा जी, ना वो हमसे फोन पे बात करेगा। उसे तो बस इतना ही समझ में है कि हाथ पैर घुटने में जो दर्द है वो आर्थराइटिस से होता है जी। ऐसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बारे में लोगों को विशेष रूप से नॉलेज ही नहीं। जैसे कि आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के बीच में कि असल में ये बीमारी है क्या? समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। आप एक तरह से समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों के लिए आप कार्य कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो परेशान है अपनी बीमारी से तो आप उनकी परेशानी ठीक करें। ऐसे में क्या आपने अभी या अभी तक जागरूक किया, या ऐसा कोई सेमिनार आपने लगाया जिसकी वजह से लोगों को आप जागरूक कर सकें कि वो अपने आप को ऐसी बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं, और अगर वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में उनके साथ क्या चल रहा है, तो आप वो कैसे समझे कि उनके साथ जो बीमारी है उसके लिए वो क्या क्या इलाज करवा सकते हैं? ये सारे काम करने के लिए अनीता जी, अब मैं मार्केट में लोगों के बीच में आया हूँ, मैं हूँ अंतर्मुखी व्यक्ति जी, और मैं तो
मुझे जबरदस्ती, मतलब हमारे जो शिष्य है ओम प्रकाश सैनी जी ने कहा गुरुदेव कब तक पीछे रहोगे, लाओ जगत का कल्याण करो। बिल्कुल। इसी विषय पर मैंने परसों नरसों बैठ के मनन चिंतन किया कि भाई डायबिटीज आर्थराइटिस इन चीजों की तो दुनिया दवा करती है जी। लेकिन हम वो क्यों ना करें जो कोई नहीं करता है। और ऐसी चीजों को लेकर के आया हूँ तो किसी भी चीज को जब हम शुरू करते हैं तो अकेले ही चलना पड़ता है, कारवां बाद में जुड़ता है। बिल्कुल। और प्रैक्टिकली मतलब ड्रीम लाइफ अलग है, इमोशनल लाइफ अलग है। प्रैक्टिकली जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे उम्मीद है आज नहीं कल हमारे साथ लोग जुड़ेंगे, क्योंकि ये बीमारी वर्ल्ड को चैलेंज दे रही है। बिल्कुल। ये जो आज मैं कर रहा हूँ ये देखने के लिए बड़ा नॉर्मल लग रहा है कि भाई वो स्वामी जी है वो, लेकिन ये वर्ल्ड को चैलेंज देने की बात है। और मैं जानता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ इसे प्रूफ करने के लिए मुझे कितने ज्यादा संघर्ष करने पड़ेगी, लेकिन मुंह में शक्कर और सिर पे बर्फ रख के काम करने वाला इंसान हूं मैं। और 110% मैं तो आज यहाँ बैठकर एक बात कह रहा हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी मैं चैलेंज दे रहा हूँ जी। आज मैं खाली खाली अपने सतगुरु जनसेवा केंद्र या ब्रह्मांड आयुर्वेद फार्मेसी की मेडिसिन की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ बैठ के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी चैलेंज कर रहा हूँ कि तीनों स्टेज के DMD BMD या सारे स्टेज के चार चार पेशेंट आप ले आइए जी। एक महीने आप मेरे पास रखिए। बिल्कुल। और एक महीना रखने के बाद दवा मैं दूंगा, ट्रीटमेंट मैं करूंगा, रिपोर्ट आप करेंगे, कोई चार्ज नहीं लूंगा उन 5 पेशेंटों का जिन्हें लेकर आप आएंगे। बिल्कुल। ना मैं उनसे व्यवसायीकरण करूंगा, ना मैं उनसे धनार्जन करूंगा। लेकिन आइए आप भी अगर जनसेवा करना चाहते हैं तो हमारे जैसे एक व्यक्ति के साथ मिलकर देखें, क्या पता आपके और मेरे सहयोग से दुनिया में एक नया रंग आए। और अगर हम मस्कुलर डिस्ट्रोफी पे काम करते हैं तो शायद विश्व का एक इतिहास होगा कि भारत ने भी कुछ कर दिखाया। और हम इससे बड़ी बात और कोई हो ही नहीं सकती। बहुत बड़ी बात आपने कह दी है, एक बहुत बड़ा चैलेंज आपने टीवी के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने दुनिया भर को कर दिया है, देश को कर दिया है, और ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में ही। तो आपसे यही कहना चाहेंगे, अगर आप के पास और आप भी इस बीमारी से ग्रसित हैं तो आप बिल्कुल भी अब चिंता ना कीजिए, बस आप कॉल कीजिए। कॉल करने के बाद आप ये अनुभव ले सकते हैं कि आप कैसे धीरे 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 आपके अपने आप में आप बदलाव देखना शुरू कर देंगे। स्वामी जी, आपने कीमती समय दिया हमें अपने स्टूडियो में आकर, और आपने इतने बड़े विषय के बारे में जिसके बारे में यहाँ तक कि हमें भी इतनी जानकारी नहीं थी, आपने हमें जानकारी दी, हमारे दर्शकों को दी है, उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। जी, धन्यवाद। और इसी के साथ दर्शकों, आप सभी से हम विदा लेंगे, कल फिर हम इसी वक्त आपके लिए हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ये ब्रह्मांड, हमारा नंबर है 8010811811। बैंक अकाउंट नंबर है 02612000008481। कोटक महिंद्रा, IFC कोड है KKBK0000261, JMD रीजन स्क्वायर। हमारा पता है सतगुरु जनसेवा केंद्र, सतगुरु फार्म हाउस ऑपोजिट मारुति गेट नंबर 1, दिल्ली रोड, गुड़गांव। पिन है 12200001।